हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दीदी इंटरनेशनल, आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक ऐसा फेस वॉश जो आपके पिंपल्स को खत्म कर देगा, आपके फाइन लाइंस को खत्म कर देगा, आपको टैनिंग हो रही वो भी खत्म हो जाएंगे और साथ में स्किन मिलने वाले ग्लो और डेड सेल्स को भी निकालता है, क्योंकि हम इसमें प्रयोग करने वाले एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल वही काला काला जो रहता है, हाँ होता तो काला है लेकिन स्किन को बहुत ग्लो करता है, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, जो भी स्किन में एक्सेस ऑयल होता है उसको निकाल लेता है और इम्प्योरिटी को भी खींच लेता है। ओके, और ये जो फेस वॉश है हर कोई प्रयोग कर सकता है, क्योंकि हम और दूसरा इन्ग्रीडियंट्स इसमें यूज करने वाले वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी क्या करता है, स्किन को तो टाइट करता ही है, साथ में आपके एक्सेस ऑयल को निकाल है और फाइन लाइंस रिंकल्स को भी कम करता है और स्किन को लाइट करता है। और दूसरा यूज करने वाले हैं हम इसमें रीठा पाउडर, आप डायरेक्टली रीठा पाउडर भी यूज कर सकते हो। हम इसमें रीठा का एक्सट्रैक्ट यूज करने वाले हैं, वो भी ड्राई फॉर्म में। ड्राई फॉर्म में क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ड्राई फॉर्म जब भी यूज करते हैं तो इसमें हमें प्रिजर्वेटिव यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है 100% ऑर्गेनिक और आयुर्वेदिक बनेगा। ओके, और रीठा क्या करता है, रीठा एक नेचुरल मतलब वॉश है, मतलब क्लींजिंग प्रॉपर्टी रखता है, नेचुरल फॉर्मिंग प्रॉपर्टी भी रहता है, इसमें झाग आता है, जिसकी वजह से हाँ लोगों को लगे कि हाँ हम फेस वॉश यूज कर रहे हैं, क्योंकि आजकल के लोगों को ऐसा लगता है कि जिसमें झाग नहीं है वो क्लीनिंग नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा है नहीं। लास्ट इंग्रेडिएंट्स हम यूज करने वाले हैं एलोवेरा। एलोवेरा में तो क्या क्या प्रॉपर्टी है आपको क्या ही बताऊं, आप सब लोग को पता है। ओके, ये हीलिंग करता है, एंटी एजिंग है, एंटी ऑक्सीडेंट है, और स्किन को नरिश रखता है, ग्लोइंग रखता है, बहुत सारे। तो हम क्या क्या यूज करने वाले, एक्टिवेटेड चारकोल, मुल्तानी मिट्टी, रीठा और एलोवेरा, ऐसे चार चीज जो मतलब ऑर्गेनिक है और धरती को भी अच्छा रखेंगे, आपको भी अच्छा रखेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, अब बनाना भी तो है ना, चलो बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमको लगने वाले हैं ये तीन इंग्रेडिएंट्स। अभी ये है रीठा और एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट। आप चाहिए तो डायरेक्ट एलोवेरा का पाउडर और रीठा का पाउडर भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन एक्सट्रैक्ट बहुत कम प्रयोग करना होता है, इसलिए मैं एक्सट्रैक्ट ले रही हूँ, एक्टिवेटेड चारकोल, मुल्तानी मिट्टी, एक्सट्रैक्ट। अभी इनका क्वांटिटी कितना लेना है, जितना आप एक्टिवेटेड चारकोल ले रहे हो उतना ही आपको रीठा एक्सट्रैक्ट लेना है, और जितना आप ये एक्टिवेटेड चारकोल लेते हो इसका डबल या ढाई गुना तो इसको लेना है। अभी 10 ग्राम ये लेते हो तो ये 20 से 25 ग्राम होना चाहिए। ओके, तो समझ गया रेसिपी, तो इजी है। अभी इसको क्या करना है हमें, सबसे पहले हम एक्टिवेटेड चारकोल को डालेंगे। तो हमने एक्टिवेटेड चारकोल ले लिया है, अब इसमें डालेंगे हम। आपको ग्लोव्स पहनना बहुत जरूरी है ताकि आपका मतलब बहुत अच्छा हाइजीन बने रहे, अगर आप सेल करते हो तो भी। तो इन तीनों को ऐसा करना है, और ये लगाने के बाद आपको मास्क लगाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसका डस्ट वगैरह पार्टिकल्स आपके सांसों में जाके आपको छींक वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, तो उसकी वजह से देखो हमको मास्क के ऊपर भी आ गया है, तो इसको अच्छी तरह धीरे धीरे हिलाते जाना है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा एक्टिवेटेड चारकोल। ओके, अभी ग्लोब्स में डाल के देखते हैं आपको। ओके, ये देखिए कितना अच्छा बना है। अभी इसका हम करेंगे क्या, डेमो। ओके, तो इसको आप किसी भी कांच के बोतल में या प्लास्टिक के बोतल, हो सके तो कांच के बोतल में पैक करके 2 साल तक इसका प्रयोग कर सकते हो, ये कोई सड़ने गलने वाला नहीं है। ओके, तो अभी इसको कैसा प्रयोग करें वो देख लेते हैं। वर्टिकली आ रहा है, चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम ट्राई करेंगे अपना एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश, बॉडी वॉश, जो भी बोल सकते हो। हम थोड़ा बहुत लेने वाले हैं, एकदम थोड़ा सा, इतना सा ही ले रहे हैं। और इसमें क्या करना है हमें, 2-4 बूंद पानी डाल लेना है। पानी डालने के बाद इसको ऐसे अच्छी तरह हिला लेना है। ओके, तो एकदम ये देख सकते हो कितना अच्छा क्रीमी स्ट्रक्चर बन गया है। तो ऐसे अच्छी तरह आप हाथ मुंह वगैरह आराम से धो सकते हो। अब इसमें झाग की बात रही, देखिए इसमें फॉर्मिंग प्रॉपर्टी भी है, तो ये हमारा फोम है। ओके, तो ऐसे हम रेगुलरली आप प्रयोग कर सकते हो। तो आप ऐसे डायरेक्टली आप ऐसे फेस वॉश बना सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ नीचे का लाल बटन दबाइए और कमेंट करना ना भूले। दूसरा रेसिपी रेमेडी आपको क्या चाहिए। ओके, तो आज का था ये एक्टिवेटेड चारकोल, कितना अच्छा बन गया है ये देखिए, ब्लैक ब्लैक, और ये ऑर्गेनिक है, आप कितने भी साल इसको प्रयोग कर सकते हो। ऑब्वियसली बनाते हो तो कम क्वांटिटी में बनाएं ताकि आप रेगुलरली इसका प्रयोग कर सकें। ओके, ये अभी आप सोराइसिस वगैरह जिसको होता है, स्किन प्रॉब्लम जिसको है, वो सब लोग इसका प्रयोग कर सकते हो।